नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज फोर जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग थ्रू टेन सेंटीमीटर कॉमा बियॉन्ड इट्स अनस्ट्रेच लेंथ सवाल है द एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट थ्रू एडिशनल टेन सेंटीमीटर शैल बी ऑप्शन है फोर जूल ट्वेल्व एट या सिक्सटीन जूल ना हो ये रहा है इस सिनेरियो में कि यह आपका एक स्प्रिंग है यह आपकी मान लीजिए उसकी नेचुरल लेंथ है यहाँ क्या लेते हैं उस नेचुरल लेंथ से जब आपने इसको 10 सेंटीमीटर आगे खींचा है यहाँ तक 10 सेंटीमीटर इसको ओ कह देते हैं इस पोजिशन ए ए कह देते हैं तो आपका वर्कडन जो हुआ है वो है यहाँ से यहाँ तक का वर्कडन आपका चार जूल दिया हुआ है आपने को हमें बताना है जब एडिशनल 10 जूल और खींचेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक सॉरी 10 सेंटीमीटर और खींचेंगे इस पोजिशन बी के लिए 10 सेंटीमीटर तो यहाँ का वर्कडन जो है वो कितना होएगा ये हमें बताना है नाउ इस केस में हमें बात पता है कि जो आपका वर्क डन है उसको हम लिखेंगे अगर जीरो से नेचुरल लेंथ है आपकी वहाँ से दस सेंटीमीटर खींचा है आपने उसको आप लिखेंगे हाफ के टेन स्क्वायर नाउ इसको टेन को आप क्योंकि रेशो का सवाल है इसको आप सेंटीमीटर में ही यूज़ कर सकते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू फोर जूल ये अपनी इक्वेशन नंबर वन बन गई जब हम इसको एडिशनल टेन सेंटीमीटर खींचेंगे तो इसका जो वर्क डन टू आएगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ़ के टोटल डिस्प्लेसमेंट uh, आपका है टोटल स्ट्रेच नेचुरल लेंथ से हो गया ट्वेंटी सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी स्क्वायर माइनस आपका जो ऑलरेडी टेन आपने, आपने खींचा हुआ था सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ के और ये आपका बनेगा ट्वेंटी स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो टेन स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें अंदर बचेगा टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ़ के टेन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर माइनस वन थ्री इसकी वैल्यू हाफ के टेन स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमें फोर जूल पता है सो so, आपका वर्क डन सेकेंड जो है दैट विल बी इक्वल टू फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री यानी कि ट्वेल्व जूल ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सो नेक्स्ट टेन सेंटीमीटर खींचने में रिक्वायर्ड वर्क होएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री ट्वेल्व जूल आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया